हेलो गाइस, आज की वीडियो में बहुत ही यूनिक और बहुत ही मस्त आरसी कार की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये है 4D पुलिस आरसी कार। इसके साथ ये 4D वाला रिमोट भी मिल जाता है। इसकी आज मैं फाइट कराने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी सियान और ये एक बुगाटी आरसी कार है। तो भाई चलो फटाफट से पहले इन दोनों को करते हैं अनबॉक्स, फिर कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं तीनों में से कौन जीतता है आज की फाइट में। लेट्स स्टार्ट। कितने ढेर सारे फीचर्स दे दिए यार ये एक कार के अंदर इन लोगों ने। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, उधर व्यू प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है। वहां पर जैसे ही जाओगे इसके वेबसाइट का बाय लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो ये कमाल की 4D कार को खरीद सकते हो। बॉक्स के अंदर से मैंने इसको निकाल लिया है, पैकिंग बहुत ही कमाल की कर रखी है इन लोगों ने। हटा देते हैं, ये देखो हार्ड शेल लगाया गया है इसके ऊपर ताकि अपनी जो स्टीयरिंग है और अपनी जो कार है बिल्कुल भी ब्रेक ना हो सके। यहाँ पर भाई साहब इसकी स्टीयरिंग साइज तो देखो यार, इतनी बड़ी स्टीयरिंग दे रखी है यहाँ पर। और बटन्स तो देखो कितने ढेर सारे बटन्स हैं यहाँ पर। देखो यार इसको कहीं पर चिपकाने के लिए भी ये इस तरह के रबर पैडिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। फिलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड में। स्टीयरिंग की सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ, पहले देख लेते हैं यार कार कैसी है। भाई साहब कार का भी जो साइज है काफी ज्यादा बड़ा है, मेरे को लगा था कि कार छोटी होगी, मेरे हाथ जितनी बड़ी है ये पुलिस कार। अच्छा तो ये दुबई की पुलिस कार है यार। यहाँ पर देखो इनका सिंबल भी दे रखा है। लैम्बोर्गिनी का ये कौन सा मॉडल है अगर आपको पता है तो यार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों। व्हील्स काफी ज्यादा गजब के है। यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, एक चीज बेकार दे रखी है, इसके अंदर कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है। यहाँ पर डिजाइन तो देखो, ओ माय गॉड, एकदम गजब की है। अभी एक और चीज देखो गाइस, यहाँ पर पीछे की तरफ किस तरह का डिजाइन बनाया गया है। सच में ये जो कार है ना यार प्योरली एरोडायनामिक मेरे को लग रही है। सामने के व्हील सब लोग यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं रिमोट के बारे में। ऊपर की तरफ यहाँ पर एक स्टिकर लगाया गया है ताकि ये डिजिटल मीटर जैसा दिखाई दे सके। यहाँ पर लाइट्स दी गई है। यहाँ पर है इसका गियर नॉब, देखो रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है। ड्राइव में डालेंगे तो कार जो अपनी फॉरवर्ड होने लगेगी, ये चीज मेरे को काफी ज्यादा सही लगी यार। चलो दोस्तों अभी अनबॉक्स करते हैं हमारी दूसरी वाली कार। इसको यहां से मैं निकाल लेता हूं। ये भी जो है ग्रेविटी सेंसर वाली स्टीयरिंग के साथ आती है। इसका भी रिमोट काफी ज्यादा कमाल का है, पर इसके अंदर एक दिक्कत है यार, इसका जो रिमोट है ना 27 मेगाहर्ट्ज की टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इस वजह से रिमोट की जो रेंज है थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पर इसका रिमोट है, पर इसके अंदर भी सेम सिस्टम मिलता है, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है, डोर्स इसके अंदर भी हम लोग ओपन कर सकते हैं, हॉर्न वगैरह दिया हुआ है, पर स्टीयरिंग का साइज छोटा है यार इसके मुकाबले में। आप देखो ये कितनी बड़ी नजर आ रही है स्टीयरिंग, और ये काफी ज्यादा भारी भी है। अभी ये कार भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कार मैंने शायद 8 महीने पहले खरीदी थी, फिर भी आज आप देख सकते हो ये कार जो है पहले के जैसी ही दिखाई दे रही है। एकदम मस्त वाला कलर है, ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। सबसे खास चीज मेरे को लगती है इसके व्हील्स, जो डिजाइन है ना यार ये बहुत ही ज्यादा मस्त वाला कर रखा है इन लोगों ने। पूरी तरीके से लेजर हेडलाइट जैसा डिजाइन है इसका। यहाँ पर हम लोगों को डालनी पड़ती है 4.8 वोल्ट की बैटरी। आज हमारे पास दो लैम्बोर्गिनी है, एक बुगाटी है। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये कार कितनी ज्यादा मस्त क्वालिटी है यार, पूरी तरीके से ऑफिशियल लाइसेंसड है। अगर आप ऊपर की तरफ देखे तो यहाँ पर काफी ज्यादा मेटल का यूज किया गया है इस कार को बनाने के लिए। व्हील्स के अंदर भी देखो यार, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पिंक कलर यूज किया गया है। पीछे काफी ज्यादा कूल लुक है यार इसका। यहाँ पर देखो इसके लाइट्स मेरे को बहुत ज्यादा मस्त दिखाई देते हैं। यहाँ पे सियान बोल के लिखा है, यहाँ पे इसका इंजन भी है। सामने की तरफ का डिजाइन देखो यार, क्या एक गजब की दिखाई देती है ये कार। इसका रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। के अंदर भी कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है, और सारे सेल्स हम लोगों को डालने पड़ेंगे। तीनों ही कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर आप साइज देखोगे तो ये जो अपनी 4D पुलिस कार है दोनों के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा बिग साइज की मेरे को लग रही है। तो अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज की फाइट में कौन सी सुपर आरसी कार जीत पाती है। लेट्स गो एंड फाइट। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ बाहर। सबसे पहले पुलिस लैम्बोर्गिनी कार को टेस्ट करते हैं। न्यूट्रल से इसको ड्राइव मोड में मैं डाल देता हूँ। कार अपनी चलने लगी है और इसका जायरो सेंसर भी मैंने ऑन कर दिया है। कार की स्टीयरिंग मैं जिस तरफ टर्न कर रहा हूँ कार भी जो है अपनी बहुत इजीली उस तरफ टर्न ले रही है। देखो पर अभी मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स में भी आपको चला के बता देता हूँ। रिवर्स में भी बहुत आराम से चल रही है कार। बहुत कम कार जो है जायरो सेंसर के साथ रिवर्स में भी चल सकती है। पीछे एक स्विच है, अभी स्विच को मैंने दूसरे मोड में डाल दिया। अभी इसका जो जायरो सेंसर है यहाँ पे बंद हो चुका है। अभी अपनी स्टीयरिंग को जो हम लोग कहीं
कहीं पर भी चिपकाकर इस तरह से लेफ्ट राइट को भी चला सकते हैं। अभी एकदम रियल वाला फील आता है गाइस, ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल एक रियल वाली कार चला रहा हूँ। ये मोड में भी कार जो है बहुत आराम से चल जाती है। अभी स्टीयरिंग के अंदर एक और कमाल की चीज भी मैंने देखी है, जैसे ही मैं इसको ड्राइव मोड में डालता हूँ इसके अंदर से वाइब्रेशंस भी आने लगते हैं यार, एकदम रियल फील आती है। अब इसके रिमोट में बहुत सारे बटन मिल जाते हैं, जैसे कि ये बीच में हॉर्न का बटन दे रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर पुलिस की सायरन वगैरह भी आप लगा सकते हो ये बटन दबाकर, और इसके अंदर बहुत अलग अलग साउंड्स भी आ जाती है। यहाँ पर एक और बटन है, इसको दबाएंगे तो इसके डोर जो है ओपन हो जाएंगे और इसके डोर जो है बहुत ऊपर तक खुलते हैं, और बहुत ही कम कार्स में इस तरह के डोर्स देखने को मिलते हैं। अभी रिमोट के अंदर स्टॉप का बटन भी दे रखा है, पर ये कुछ काम का मेरे को लग नहीं रहा है। यहाँ पे पावर का स्विच है, इसको ऑफ करेंगे तो कार जो है अपनी बंद हो जाएगी। बुगाटी कार को टेस्ट करते हैं, उससे पहले इसकी स्टीयरिंग के सारे फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। हॉर्न वगैरह इसके अंदर बज जाता है बहुत ही मस्त तरीके से, डोर्स ओपन करने के लिए एक बटन भी मिल जाता है, पीछे का इंजन में भी खुल जाता है इसके साथ में, डोर्स थोड़े से कम खुलते हैं गाइस इसके। यहाँ पे एक और बटन है, इसको दबाएंगे तो इसके अलग अलग साउंड चेंज हो जाएंगे। स्टॉप का बटन इसका प्रॉपर तरीके से काम करता है, पर इसके स्टीयरिंग के अंदर एक दिक्कत है, स्टीयरिंग जो है आपको नीचे चिपका कर इस तरह से लेफ्ट राइट को चलाना पड़ता है। इसका जायरो सेंसर जो है पुराने जमाने वाला दे रखा है, स्टीयरिंग के नीचे जो सेंसर है वहां पर भी एक हाथ से पकड़ पड़ता है, फिर स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट करेंगे तो कार एकदम बढ़िया तरीके से चलने लगती है। कंट्रोलिंग भी इसकी बहुत बढ़िया दे रखी है, जैसी कंट्रोलिंग देखो लैम्बोर्गिनी पुलिस कार में देखने को मिली थी। अभी टेस्ट करते हैं लैम्बोर्गिनी सियान को, रिमोट के अंदर कोई भी बटन नहीं मिलता है इसके डोर्स ओपन करने के लिए, डोर्स मैन्युअली ही ओपन करने पड़ते हैं। यहां पे डोर्स इसके मैंने ओपन कर दिए, कार बहुत ही साइलेंट तरीके से चलने लगती है गाइस, क्योंकि ये ऑफिशियल लाइसेंस्ड कार है। कंट्रोलिंग काफी ज्यादा बढ़िया है, बहुत स्मूथ तरीके से रोड पर चलती है। लोग गाइस पहले रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है रेस को। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, दोनों लगभग सेम स्पीड पे चल रहे थे, अचानक से अपनी बुगाटी आगे जा रही थी, अभी देखो बार पीछे से टक्कर मारकर अपनी पुलिस लैम्बोर्गिनी कार आगे जाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसने साइड से भी इसको धक्का मारा है और इसने टेक ओवर कर लिया है। इसकी टॉप स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। बुगाटी बहुत ज्यादा पीछे रह गई, पुलिस लैम्बोर्गिनी रेस को जीत चुकी है। अभी कराएंगे रेस इन दोनों लैम्बोर्गिनी के बीच में, देखते हैं गाइस रेस में कौन जीतता है। पहले लैम्बोर्गिनी सैन आगे की तरफ निकल चुकी है, इसका इनिशियल पिकअप काफी ज्यादा दे रखा है। अभी यहाँ पे लैम्बोर्गिनी पुलिस पूरी कोशिश कर रही है इसको टेक ओवर करने के लिए, और इसने टेक ओवर कर लिया बड़ी आसानी से। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी सियान भी टेक ओवर कर चुकी है लैम्बोर्गिनी पुलिस को। यार ये क्या चल रहा है, देखो कभी ये कार आगे जा रही है, कभी ये कार आगे जा रही है। अभी लैम्बोर्गिनी पुलिस आगे आगे जा रही थी, लैम्बोर्गिनी सियान इसके पीछे पीछे जा रही है, देखते हैं इसको टेक ओवर कर पाती है या नहीं। लैम्बोर्गिनी पुलिस बहुत ज्यादा आगे की तरफ निकल के आ चुकी है, लैम्बोर्गिनी सियान हार चुकी है गाइस, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है यहाँ पर। इन दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं, देखते हैं लैम्बोर्गिनी सियान अपनी हार का बदला ले पाती है यानी कर काफी कमाल की थी यार दोनों के बीच में। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी से अचानक से पीछे ढकलना चालू कर चुकी है लैम्बोर्गिनी पुलिस को, और लैम्बोर्गिनी पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सारी की सारी पावर जो है अचानक से खत्म हो चुकी है। क्लियरली यहाँ पर लैम्बोर्गिनी सियान हरा चुकी है लैम्बोर्गिनी पुलिस आरसी कार को। अभी यहाँ पे तको फोर कराएंगे लैम्बोर्गिनी सियान और बुगाटी के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। लैम्बोर्गिनी सियान काफी ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है, बुगाटी यहाँ पे इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, पर यहाँ पर बुगाटी पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। लैम्बोर्गिनी सियान इसको धीरे धीरे करके अपनी तरफ कैच के लेके जा रही है, इजिली लैम्बोर्गिनी सियान जीत चुकी है। अब इन तीनों कार्स की लाइट्स भी मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ, उससे पहले रिमोट के अंदर और भी जादुई चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्राइव मोड में डाल रहा हूँ तो ड्राइव के ऊपर लाइट जल रही है, न्यूट्रल में डाल रहा हूँ तो न्यूट्रल में लाइट जल रही है। अभी मैं देखो स्टीयरिंग डन कर रहा हूँ तो इंडिकेटर के अंदर भी यहाँ पर लाइट जलने लगी है। ये काफी ज्यादा जादुई रिमोट है यार सच में। अभी देखो इसकी लाइट्स मैंने ऑन कर दी है, हेडलाइट काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, पर बुगाटी की लाइट जो है ना भाई काफी ज्यादा शार्प है। लैम्बोर्गिनी सियान की हेडलाइट उतनी ज्यादा ब्राइट है नहीं, क्योंकि इसकी जो एलईडीज है बहुत ज्यादा छोटी छोटी दे रखी है लोगों ने। यहाँ पर लाइट्स के मामले यार क्लियरली बुगाटी जीत चुकी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों कार्स में से कौन सी कार पसंद आई। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है आयुष, मुकुंद, तनिष, मसूद, विवेक, प्रत्यक्ष, फहद, अनुज, आदित्य, गौरव। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय बाय दोस्तों।